केंद्रीय मंत्री भागवत कराड़ी आणंद जिला की एक दिवस की मुलाकाते है। समग्र जिला में विविध कार्यक्रमों करवामां आवशे त्यारे आणंद सर्किट हाउस खाते आवनार दिवसों में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरुआत थवानी होवाथी पत्रकार परिषद योजाई थी। सरकार की विविध योजनाओं लाभ छेवाड़ा मानवी सुधी पहुंची शके तेवा हेतु थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मार्गदर्शन हेठ विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजन करायू है। जेनी जानकारी अर्थे केंद्रीय मंत्री भागवत कराड़ी की उपस्थिति में पत्रकार परिषद योजाई थी। आ परिषद दरमियान केन्द्रीय राज्य नाणामंत्रीए जणाव्युं हतुं के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तारीख 15 नवेम्बर थी विकसित भारत संकल्प यात्रा शुभारंभ करावे छे, जे अंतर्गत अनेक जिल्लाओं में यात्रा शुभारंभ थयो छे। आणंद जिला में तारीख 30 थी आ यात्रा शुरू थशे। आ यात्रा में सरकार की दरेक योजनाओं लोगों सुधी पहोंचाड़वामां आवशे। आ पत्रकार परिषद में आणंदना सांसद मितेश पटेल, आणंद जिला भाजप प्रमुख राजेश पटेल, आणंद भाजप धारासभ्य योगेश पटेल उपस्थित रहा था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यह यात्रा हर जिले में, हर तालुका में और हर गांव में जाने वाली है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के माध्यम से जो अलग अलग स्कीम्स है उस स्कीम्स का बेनिफिट सभी को मिलना चाहिए, इसीलिए ये एक जन जागरण यात्रा है। कुछ लोगों को जरूर बेनिफिट मिल रहा है लेकिन हमें उनको पूरा सैचुरेशन करना है, 100% लोगों तक जाना है, इसीलिए यात्रा है। इस यात्रा के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोगों को बेनिफिट मिला है उनका भी रिमार्क क्या है, उनके जीवन में क्या बदलाव आ चुका है वो भी हम समझ सकते हैं। और हर एक क्षेत्र, जैसे हेल्थ सेक्टर हो, जैसे गैस हो, जैसे फार्मिंग हो, हर सेक्टर में इसका काम है। शहरी क्षेत्र में 17 स्कीम्स है और ग्रामीण क्षेत्र में 19 स्कीम्स है। इसलिए दोनों स्कीम्स के बारे में यात्रा के माध्यम से प्रशासन, शासन, लोक प्रतिनिधि और समाज सेवक सभी मिलके काम करने वाले हैं। एक ही मकसद है, एक ही हम काम करना चाह रहे हैं कि जिसके माध्यम से ये भारत विकसित राष्ट्र बने और विकसित राष्ट्र बनने के लिए सभी के मन में ऊर्जा पैदा हो और ऊर्जा पैदा करने के लिए जन जागरण करने की जरूरत है और जन जागरण करने के लिए हम सब लोग, केंद्र हो, राज्य हो, जिला परिषद हो, ग्राम लेवल पे हो, सभी को काम करना है, सभी को इसमें इन्वॉल्व होना है और पूरा सैचुरेशन करना है।